नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम योग सूत्र के पहले अध्याय से यानी समाधिपाद और यह पार्ट नंबर 6 नंबर का वीडियो है। इसमें हम समझेंगे 26 से लेकर 29 तक के सूत्रों की अच्छे से व्याख्या समझेंगे और ध्यान से समझना। 25 तक आपने पिछले वीडियो में समझ लिया होगा। 25 नंबर का सूत्र था तत् निरत स्वयं सर्वज्ञ बीजम, यह आपने पिछले वीडियो में समझा होगा। अगर नहीं देखे हैं, नए हैं चैनल पर, तो जरूर देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर के सूत्र को समझते हैं। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया गया है पहला और सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है या किसको सर्वश्रेष्ठ गुरु कहा गया है। चलिए समझते हैं, सूत्र को सबसे पहले समझते हैं। पूर्वे सामापि गुरु कालेन अनुच्छेदात, तो और इसमें आप सा ऐसा समझने के लिए सा ऐसा लगा सकते हैं, यानी सा मतलब वह कौन, ऐसा माने ईश्वर, ठीक। तो पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनुच्छेदात, ठीक। चलिए अब इसको पहले एक लाइन में अर्थ समझते हैं, उसके बाद आगे अलग अलग अर्थ समझते हैं। देखो, इसका सबसे पहले अर्थ समझ लें, वह ईश्वर, ईश्वर के विषय में बताया गया है ना, वह ईश्वर सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है। यानी कब आपने पहले ही समझ लिया कि वह काल में बंधा हुआ नहीं है, ईश्वर काल आदि से बंधा हुआ नहीं, ये तो सब मनुष्यों के काम है। तो वही बस उसी से रिलेट करते हुए समझते चलें, क्योंकि यानी यह गुरुओं का गुरु है, सभी का गुरु है, कौन, ईश्वर। चलिए समझते हैं आगे। देखो, पूर्वेशाम का हुआ पहला, ठीक, सर्वश्रेष्ठ, और अपि भी, पहला भी है, पहला है और सर्वश्रेष्ठ भी है। गुरु आप समझते होंगे, शिक्षक या गुरु। अब कालेन, कालेन मतलब समय, अनुच्छेदात यानी असीमित, असीमित अपरिमित, असीमित अपरिमित, ठीक। यानी वह सारे गुरुओं में सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जो काल स्थान या स्थल तक सीमित नहीं है। काल स्थान स्थल, काल स्थान स्थल तक सीमित नहीं है। इसको थोड़ा और सरल व्याख्या में समझ लें कि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने एवं वेदों द्वारा संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का उपदेश करने के कारण किसको गुरु माना जाता है? ब्रह्मा जी को गुरु माना जाता है। परंतु ब्रह्मा जी की सृष्टि के पूर्व उद्भव और महाप्रलय के पश्चात अवसान होता है, अतः वे काल से परिच्छिन्न हैं, अतः काल द्वारा सीमित हैं। परंतु ध्यान देना, परंतु ईश्वर काल से बंधा नहीं है, वह सृष्टि के पूर्व और महाप्रलय के पश्चात तथा हर स्थिति में विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार वह ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवों को भी ज्ञान प्रदान करता है, इस प्रकार वह उनका भी गुरु है, अर्थात उपदेष्टा है, उपदेष्टा है।
ईश्वर गुरुओं का, यानी ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, और किसका? लौकिक, लौकिक गुरुओं का भी गुरु है, यानी सभी सभी तो बंधे हुए हैं लेकिन ईश्वर नहीं बंधा हुआ है। तो इस प्रकार यह सबसे पहला और सर्वश्रेष्ठ गुरु हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि वह सारे गुरुओं में सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ गुरु है, जो काल, स्थान या स्थल तक सीमित नहीं है। तो यह आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे समझते हैं कि यह बताया गया कि उद्दिक्ते कहाँ पर हैं, यानी वह कौन? ईश्वर, यानी वह ओम में दिखते हैं। अब ईश्वर के अब मन में उत्सुकता बढ़ेगी कि आखिर, अच्छा ठीक है, ईश्वर हैं, लेकिन कैसे हैं, कहाँ पर हैं, कैसे दिखते हैं? तो अगला आंसर, जैसे मन में क्वेश्चन बना, आंसर लीजिए, वह ओम में दिखते हैं। कौन? ईश्वर। 27 नंबर के सूत्र। और उनका फिर मन में क्वेश्चन आता है कि उनका फिर नाम क्या है? तो आगे समझें, तस्य वाचकः प्रणव। तस्य यानी वह ईश्वर, ईश्वर वाचकः यानी संकेत देता है, इसका अर्थ संकेत देते हैं, या नाम प्रणव यानी पवित्र, प्रणव मतलब पवित्र रक्षक, ओम है। तो उसका एक लाइन में इसका अर्थ है कि उस ईश्वर का वाचक, वाचक यानी नाम प्रणव, प्रणव की ही ओंकार कहा गया है, यानी उसका नाम प्रणव है। जे इस उस ईश्वर का नाम प्रणव है, या वह पवित्र अक्षर है, जो पवित्र अक्षर है ओम में दिखते हैं, जिसे प्रणव कहा जाता है। विद्यार्थियों, यह जो नाम है, इस नाम का आधार यह है कि मूल प्रकृति और ईश्वर का जिस स्थान पर संबंध है, वहां से निरंतर एक ओंकार ध्वनि गुंजारित होती रहती है। जैसा कि रिसर्च में भी पाया गया है कि जो सूर्य सूर्य से जो ध्वनि निकलती है, तो ओम की चैटिंग होती रहती है, वही ध्वनि सत्य स्वरूपा होकर संसार के विभिन्न कार्यों को पूर्ण करती है। यह ध्वनि स्वयं निःसृत होती है रहती है, जिसका रसास्वादन योगी जन ध्यान के स्थिति में श्रवण करके करते हैं, ब्रह्मानंद में रमण करते हैं। इस प्रकार ओम ध्वनि को ईश्वर का स्वघोषित नाम माना जाता है। ठीक, इसके बहुत सारे पर्यायवाची हैं, जैसा कि आप समझते हैं, ये प्रणव है और ओम है, ओंकार है, और इसको जो है आ उ मा, आ उ मा मिलकर ओम बनता है, यानी अकार उकार मकार। तो उसका क्या नाम है? तस्यवाचक प्रणव, उसका नाम प्रणव है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए अगले सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है, अच्छा ठीक है, ओम है, ओंकार है, इसका नाम ओंकार प्रणव है, तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? तो चलिए अगले सूत्र में समझें कि आप उसका उच्चारण किस प्रकार करेंगे। 28 नंबर के सूत्र में समझें, तत् जपः तदर्थ भावनम्। 28 नंबर का यह सूत्र है। तो इसका पहले सबसे पहले एक लाइन में समझ लें, उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब इसका अलग अलग अर्थ समझें। तत् वह कौन? जपः
जपह मतलब जपना, तदर्थ भावनम भाव के साथ, भाव के साथ उसका अर्थ। इसमें यह बताया गया है कि ओंकार का जप तो करना है, ओम का जप तो करना है, लेकिन उसका अर्थ को समझें और पूरे भाव से, भाव और अर्थ को समझना। यानी जैसे सिंपल से अगर कोई मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो जब तक उसके अर्थ उसके भाव भाव को नहीं समझेंगे तो उसको आपके आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार उस ओंकार का जप करना है, अर्थ सहित अर्थ मतलब उसके अर्थ को समझना है, उसके भाव को समझना है, तब उसका जप करना है। अर्थात पवित्र अक्षर ओम का जाप करते हुए उसका उच्चारण बार बार किया जाना चाहिए तथा ऐसा करते समय संपूर्ण भक्ति भाव, संपूर्ण भक्ति भाव से उसके अर्थ को भी समझना चाहिए। यानी कि ऐसे ही ओम करते रहें, अर्थ और भक्ति भाव से समझना चाहिए। थोड़ा सा और इसकी व्याख्या समझ लें कि ओंकार के जप और इसके चिंतन को योग का सर्व प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। विद्यार्थी इसके यानी प्रणों के जप, प्रणों का नाम ही तो ओंकार है, ओम है, प्रणों के जप और चिंतन से चित्त की चंचलता दूर होती है। क्या होता है इससे? चित्त की चंचलता दूर होती है कि चंचलता दूर होती है, ठीक। और जब से योग और योग से जप करने से एक विशिष्ट शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। दोनों की शक्ति से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? परमात्मा का, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी का नाम ईश्वर परिधान या ईश्वर शरणागत भी है, ठीक। और इसके माध्यम से कौन सी समाधि की प्राप्त हो सकती है? निर्वीज, निर्वीज की समाधि, ठीक, प्राप्त हो सकती है। तो उस ओंकार का जप, उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर का चिंतन करना है। और आगे आपने समझ लिया, यानी भक्त भाव से अर्थ सहित समझ के भक्ति पूर्वक उस ओंकार का जाप करना है। योगी जन इसी प्रकार से करते हैं। अब अगले जो है सूत्र में समझते हैं, 29 नंबर के सूत्र में, कि स्वरूप के चिंतन का फल क्या है। जो इस रूप का आप चिंतन करेंगे, मन में क्वेश्चन बनेगा फिर भाई फल क्या प्राप्त होगा। तो स्वरूप के चिंतन का फल अगले सूत्र में समझें। ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अंतराया भावश्च, 29 नंबर का सूत्र। तो एक लाइन का सबसे पहले समझ लें। उक्त साधन से विघ्नों का अभाव और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, विघ्नों का अभाव हो जाता है। अब चलिए इसका अलग अलग अर्थ को हम समझते हैं। ततः यानी पुनः, फिर, ठीक, और फिर प्रत्येक चेतना यानी व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आत्मा, और आत्मविश्लेषी मन, दूसरा अर्थ आत्मविश्लेषी मन, ठीक। अधिगम, अधिगम माने खोज होता है, और एक होता है सीखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर खोज शब्द यूज करना है, यानी लर्निंग भी होता है ना। अधिगम माने लर्निंग माने अधिगम, अधिगम हिंदी शब्द है, लर्निंग अंग्रेजी शब्द है, लेकिन खोज इसको जो है अधिगम यहाँ पर खोज होगा। और फिर
सिद्धि करना, खोज सिद्धि करना, ठीक। और अपि अंतराय, अधिगम अंतराया अपि, अपि का अपि माने भी, अंतराय माने बाधा, रुकावट, ठीक। और अभाव, अभाव कमी, और चा अने और आप सभी जानते हैं। ततः प्रत्येक चेतना अधिगम आप अंतराया भावश्च। 29 नंबर के सूत्र में इसको आपने समझ लिया, यानी शब्द और विचार में इस प्रणो कहाँ कहाँ पर, यहाँ देखें, शब्द और विचार में इस प्रणो, प्रणो यानी ओम के साथ आंतरिक अहम और शारीरिक या मानसिक उथल पुथल के हस्तक्षेप की अनुभूति होती है, ठीक। इसमें और अर्थ समझ लें तथा का, ये जो पुनः फिर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, यानी उक्त साधन के द्वारा, उक्त साधन के द्वारा, उक्त साधन के द्वारा अंतराव अभाव और यानी विघ्न बाधाओं और प्रत्येक चेतना अधिगम यानी अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, व्यक्तिगत आत्मा और या आत्मविश्लेषक विश्लेषी मन, या एक और अर्थ इसमें और आप ऐड कर सकते हैं कि अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान, ठीक। इतना समझ लिया, अब इसको और सरल व्याख्या में इसको समझ लें कि साधक जब साधक के साधना पथ में अनेक विघ्न बाधाएं भी आती हैं, जैसा कि आप सभी समझते होंगे, किंतु पूर्व सूत्र में जो पहले वर्णन किया गया है ओंकार के जप, ठीक, फल ही तो बताया जा रहा है, जब ओंकार के जप करेंगे, जप तथा ईश्वर प्रधान ध्यान उपासना से इन विघ्नों का शमन होता रहता है। इन विघ्नों का शमन कौन से विघ्न है, अब अगले सूत्र में आपको पता चलेगा। साथ ही ई साक्षात्कार का पथ भी सुगम हो जाता है, किसका, ई साक्षात्कार का। अब यहां ध्यान देना, ई साक्षात्कार बताया गया है, इस साक्षात्कार का पथ सरल हो जाता है, हो जाता है इसके जप से, ओंकार के जप से, ठीक। और परमात्मा के जिन गुणों का ध्यान करते हुए साधक उपासना करता है, उन गुणों का साधक में भी समावेश हो जाता है, यानी उनके गुणों का भी, जो जो गुण होते हैं, जो परमेश्वर के परमात्मा के जो गुण होते हैं, वह साधक के अंदर समावेश हो जाते हैं, यानी एक हिसाब से वो उसी प्रकार से कार्य करने के प्रयास करना शुरू कर देता है। जैसे परमात्मा क्या है, नित्य है, परमात्मा के जो गुण है क्या है, परमात्मा के गुण यानी नित्य, चैतन्य, चैतन्य कूटस्थ और क्लेश आदि से रहित है, से रहित है। इस ध्यान से ईश्वर परिधान प्रक्रिया से, जो पहले आपने समझ रखा है सूत्रों में, साधक को अपने निर्लिप्त निर्विकार और क्लेश आदि से रहित शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इतना ये फल प्राप्त होता है इसके स्वरूप के चिंतन से, ओंकार के जप से। तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब 30 नंबर के सूत्र में आप
विघ्नों को समझेंगे, यानी जो अंतराय हैं, जो नौ अंतराय बताएंगे, व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य अवृत भ्रांति दर्शन अवलब्ध भूमिकत्व अनुवस्थित्व, तो ये सब जो बताया गया है अगले सूत्र में यानी अगले वीडियो में आप समझना। इसमें आपने ये ततः प्रत्येक चेतना अधिगमों अंतरायाभावस्य अपि और तज तत् जप तदर्थ भावनम 28 तस्य वाचक पढ़वा 27 पूर्वे सामापि गुरु कालेन अनुच्छेदात 26 नंबर के इतने सूत्र आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। स्वयं देखना, दूसरों को भी जरूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आपने इसमें गुरु के विषय में जाना, ओम के विषय में जाना यानी उसके नाम के विषय में जाना, उच्चारण किस प्रकार आपको करना है और उसके स्वरूप के फल को यानी उसके उच्चारण करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, ये सब आप इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। इसमें बहुत इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप आंसर खुद तैयार कर सकते हैं इसको देखकर। धन्यवाद विद्यार्थियों।